फ्रेंड्स, यूपीसी प्रीलिम्स 1979 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यह सवाल आया था, द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग प्लांट्स आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन विल नॉट ऑलवेज बी प्रॉपर बिकॉज ए न्यू सॉइल मे नॉट कंटेन द रिक्वायर्ड मिनरल्स, बी ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन रूट हेयर्स गेट डैमेज, सी रूट्स कैनॉट पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल, या फिर डी ऑफ ऑल फैक्टर्स स्टेटेड अबव। देखिए, सबसे पहले रूट हेयर्स क्या होता है। रूट हेयर्स वो पार्ट होते हैं रूट्स के जो राइजोस्पियर से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को इनटेक करने में प्लांट्स का हेल्प करते हैं। तो राइजोस्पियर वो स्पियर होता है लिथोस्पियर का, जो कि सॉइल का, जहाँ पे कि एजोटोबैक्टर राइजोबियम जैसे बैक्टीरियास लीव करते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, देन उस अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स इनटेक कर पाए। तो इसका सही आंसर अगर हम लोग देखेंगे, अगर रूट हेयर्स डैमेज हो जाता है तो प्लांट वाटर और मिनरल्स इंटेक नहीं कर सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन रूट हेयर्स गेट